हम बात कर रहे हैं ज़ोमैटो की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल हमको 3% तक के अपसाइड के साथ स्टॉक ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं स्टॉक जो है 144.55 पैसे पर फिलहाल हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक ऊपर की ओर कंसोलिडेट हो रहा है, ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है, तो आपने इस हाई को एनी 144 के लेवल को ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। हमने टारगेट के तौर पर फर्स्ट टारगेट को 144 के लेवल को डिस्कस किया था और हम देख सकते हैं आज के दिन हमको 146 तक का जंप देखने के लिए मिल रहा है। वहाँ से स्टॉक में छोटी मोटी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। यहाँ से अब ज़ोमैटो में हमको और बड़े टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने जहाँ से दो दफ़ा रिजेक्शन फेस किया था, दो तीन दफ़ा, उस लेवल को आज की डेट में ब्रेकआउट कर चुका है और अब इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है। जिस लेवल को ब्रेकआउट किया है 144 का लेवल, इसको ब्रेकडाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जहाँ से स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा था, और हम देख सकते हैं जब गिरावट आई है तो इसी लेवल से सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है 142 के लेवल से अगला सपोर्ट, और तगड़े और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। ये जो लो है 138 का लेवल तगड़े और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अब यहाँ से टारगेट की बात करें तो इमीडिएट टारगेट देखने वाले के लिए मिलने वाला है 150 का लेवल हमको। अब इसमें किसी भी वक्त बड़ा जंप और बड़ी बाइंग भी देखने के लिए मिल सकती है ज़ोमैटो में, क्योंकि आपने हाई को ब्रेकआउट करके अब ऊपर सस्टेन होता हुआ नज़र आ रहा है। आज की क्लोजिंग 144 के ऊपर आना इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो वैसे कंडीशन में कल के दिन में हमको और बड़ी तेज़ी इसमें देखने के लिए मिल सकती है। इमीडिएट टारगेट 150 और 150 के ब्रेकआउट के बाद ज़ोमैटो में हमको 154 से लेके 160 तक का भी जंप देखने के लिए मिल सकता है। 160 तक के भी टारगेट शॉर्ट टर्म में ही ज़ोमैटो दिखा सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।